वो एक चाइनीज जो था ना बीमार था, उसका पाकिस्तानी दोस्त उससे मिलने के लिए गया, उसके ऑक्सीजन लगी हुई थी, ऑक्सीजन लगी हुई थी चाइनीज की, तो ये मिलने के लिए गया, जैसे ही करीब खड़ा हुआ है तो वो चाइनीज चीखने लगा चाची पाची पाची का 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 कहते हुए मर गया। अब ये पाकिस्तानी डिफेंस का होगा कोई, इसने कहा यार ये मेरा चाइनीज दोस्त आखिरी वक्त में कुछ अल्फाज बोल के गया है, ये कुछ वसीयत की है, उस अल्फाज को उसने दिमाग में महफूज कर लिया, उसने कहा मैं इसका तर्जमा मालूम करवाऊंगा। चाइना गया, लैंग्वेज सेंटर गया, यार ये चाची पू पाची इसका मतलब बताओ क्या है, उन्होंने कहा उर्दू में तर्जमा करो, उन्होंने कहा इसका मतलब है उल्लू के पट्टे ऑक्सीजन के पाइप से पांव हटा। साहब मेरे पास आए मुझे कहने लगे, कह रहे वो मेरे अब्बा ने मेरी वालदा का इंतकाल हो गया तो उन्होंने दूसरी शादी की, फिर तो कह रहे हमको भी ख्याल आया कि हमने भी दूसरी की, तो अब्बा ने कहा अबे मेरी तो मर गई थी तो मैंने की, तू क्यों कर रहा है, कहते मैंने कहा अब्बा मेरा तो कसूर नहीं है ना, वो मरी नहीं गई। अभी वो एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा ना, अब्बा हर आदमी शादी के बाद पछताता है मगर फिर भी करते हैं, वजह क्या है? अब्बा ने कहा बेटा अकल ठोकरे खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं है। एक पागल ने किताब लिखी ना, एक आदमी पागल खाने गया देखने के लिए, पागलों का इंटरव्यू लेने के लिए, तो एक पागल ने कहा यार मुझे खामखा में इन लोगों ने यहां रखा हुआ है, मैं तो किताबों का मुसन्निफ हूं, मैं पागल वागल नहीं हूं। तो जेल की इंतजामिया से पूछा यार इसने किताब लिखी है और तुमने इसको यहां रखा, किताब कोई पागल थोड़ी लिख सकता है, तो उसने कहा भाई किताब लेकर आओ। किताब लाई तो शुरू में लिखा हुआ था घोड़ा कैसे दौड़ता है, 400 सफों पे लिखा हुआ था तगड़ 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 तगड़। तो दोस्त मिले, उन्होंने कहा आजकल तेरी कैसी गुजर रही है घर में ना, तो एक दोस्त था उसकी अच्छी नहीं गुजर रही थी, वो बीवी का गुलाम बना हुआ था बेचारा, लेकिन उसने कहा अगर मैं ये बताऊंगा मैं गुलाम बना हूं तो मेरी बेइज्जती होगी, तो बताओ इस स्टाइल से कि वो बेइज्जती ना हो। तो उसने कहा यार बस मैं जब सुबह उठता हूं तो नाश्ता मैं खुद बनाता हूं, उसका फायदा ये होता है कि अपनी मर्जी का नाश्ता होता है, चाय भी मेरी मर्जी की होती है, टाइम भी मेरी मर्जी का, तो मुझे फायदा होता है, तो जब फिर जब मैं बना ही लेता हूं तो मैं कहता हूं चलो बेगम को भी खिला दो, तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है, तो अल्लाह का बड़ा फजल है। फिर शाम को आता हूं तो चाय तो मैं अपने हाथ की पीता हूं, तो इसलिए मैं एक के बजाय फिर दो कप बना देता हूं कि चलो यार। रात का खाना मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूं कि बर्तन भी तो वो धोती है ना मेरे साथ, तो चलो यार खाने में हाथ उसके साथ बटा दूं, तो अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ी अच्छी गुजर रही है। अब तू सुना तेरी कैसे गुजर रही है? उसने कहा मेरी भी ऐसी कुत्तों की तरह गुजर रही है जैसे तेरी गुजर रही है, जिससे जितने पैसे निकलवा सकते हो निकलवाओ। एक पाकिस्तानी सफर कर रहा था, अब पाकिस्तानियों का दिमाग बिजनेस की तरफ बहुत चल रहा है, देखा एक चाइनीज बैठा हुआ है ट्रेन में, दोनों सफर कर रहे हैं, तो चाइनीज की नाक पे मच्छर आके बैठा, उसे पकड़ के खा लिया, उनके यहाँ तो कोई हलाल हराम है ही नहीं, कहते प्रोटीन होने चाहिए बस, कुत्ता खा लो बिल्ली खा लो, तो वो चाइनीज की नाक पे मच्छर आके बैठा, उसने उठा के खा लिया, उसने कहा प्रोटीन फ्री पकड़ के मिल रहे हैं, तो पाकिस्तानी की नाक पे थोड़ी देर मच्छर आके बैठ गया, चाइनीज से तो डर गया होगा, खा तो सकता नहीं था कि जाहिर है सारी जिंदगी कभी मच्छर मक्खी खाए नहीं, तो उठा के उसको कहता है खरीदेगा भाई तू मेरे से, एक आदमी की लॉटरी निकली ना एक 10 करोड़ रुपए की, गरीब आदमी था, माहिर नफ्सियात से रابطہ किया कंपनी ने कि भाई इसको अगर हमने अचानक बता दिया कि तुम्हारे 10 करोड़ निकले तो मरना जाके खुशी से, तो वो माहिर नफ्सियात को भेजा जाए जो इसको आराम आराम से बताए, तो माहिर नफ्सियात गया उसको समझाने के लिए, बोला अगर तुम्हारे 1 लाख रुपए लॉटरी में निकले तो तुम क्या करोगे, खुश हो जाएंगे भाई ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख अगर निकल जाए, 10 लाख अगर निकल जाए, होते 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 आ गया 1 करोड़ रुपये ना, कि अच्छा अगर 1 करोड़ निकल जाए, उसने कहा आधे तुझे दे दूंगा, ये मर गया। औरतें बड़ी होशियार होती है पता है आपको, रोते हुए भी एक दूसरे के दुपट्टे चेक कर रही होती है वो कपड़ों के मामले में, एक औरत के मैयत हुई ना वो रो रही है, मैयत में जो औरतें आती हैं ना रोते रोते साड़ियां दुपट्टे चेक कर रही होती है एक दूसरे की, बातें बातें ना रोते थे, हाय मुन्ने के अब्बा दुनिया से चले गए, हाय हाय बहुत अफसोस, बहनी दुपट्टा कहाँ से लिया तुमने, हाय 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 बहुत अफसोस हुआ, तो वो रोते रोते बता रही होती है हाय हाय बहुत अच्छे थे मेरे मियाँ बोल्टन मार्केट से खरीदा था, मदरसे के बच्चे चाहते थे हमारे जो कारी जिनका नाम अब्दुल गफूर है ये छुट्टी करें, छुट्टी नहीं कर रहे थे वो, अब बीमार नहीं होते थे सेहतमंद थे, तो एक बच्चे को शरारत हुई, वो कब्रिस्तान में छुप के कब्र के पीछे बैठ गया जहाँ से कारी साहब रोज़ गुजरा करते थे और कब्रिस्तान में सलाम करते थे अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ठीक है यार कारी साहब को बीमार करो, एक दिन कारी साहब गुजरे कब्र के पीछे बच्चा छुपा हुआ है, कारी साहब ने कहा
السلام علیکم یا اہل القبور, قبر کے پیچھے سے آواز آئی, وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. تو آپ کو میں کچھ ٹرک بتا رہا ہوں, نہا دھو کے جاؤ, دانت تیزاب سے صاف کرو. لڑکی والے دانت دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ڈریسنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑی تمیز سے وہاں جا کے بیٹھو, بیٹا چائے پیو گے؟ جی انکل چائے پیوں گا, کائنڈلی میں چینی کم پیتا ہوں. یہ بھی نہیں بولو گے چینی نہیں پیتا, یہ بھی نہیں بولو کہ میں خود ڈالوں گا تو تین چار چمچے بھر بھر کے, میں تھوڑی کم پیتا ہوں. تو وہاں جا کے بڑے اسٹائل سے آپ جا کے بیٹھ جائیں, اس کے بعد جب بسکٹ چائے کے ساتھ بسکٹ آئے ہیں تو بسکٹ آپ نے ایک دو سے زیادہ کھانے نہیں. دیکھو مجھ سے پیسے لے لینا, میں آپ کو بسکٹ کے پورا ڈبہ دے دوں گا, بعد میں کھا لینا پیٹ بھر کے, تھوڑا سا صبر کر لو, ٹھیک ہے نا. ایک آدمی جو تھا نا وہ شراب پی کے دیر سے گھر آتا تھا, بیوی اس کو پکڑ لیتی تھی کہ کم وقت پھر پی کے آیا ہے. تو ایک دن اس نے کہا کہ یار اب چپکے سے نا دیوار ٹاپ کے آؤ تاکہ بیگم کو پتہ نہ چلے, اپنے کمرے میں چلے جانا. دیوار ٹاپ کے آ کے بیٹھ گیا, لیپ ٹاپ کھول کے, بڑا نا جیسے اسٹڈی کر رہا ہے. بیگم نے کہا آج پھر پی کے آیا ہے؟ نہیں بیگم. کئی کم بخت بریف کے اسکول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ جیسے ایک آدمی نے ایک سال بعد کیس کیا عدالت میں کہ اس نے مجھے گینڈا کہا ہے, ایک بندے پہ کیس کیا کہ اس نے مجھے کیا کہا ہے, گینڈا. عدالت نے کہا کب کہا تھا؟ اس نے کہا ایک سال پہلے. اس نے کہا کیس آج کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کہہ رہے گینڈا میں نے آج ہی دیکھا ہے, مجھے کیا پتا تھا ایسا گینڈا ہو. بنایا نا ویڈیو کو لائک کر دو, ویڈیو کو نا لائک کر دو, اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دو.